आज हमारे बीच इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी हमारे बीच में हैं। आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप की बैठक हुई है और हमारे स्टेट लीडरशिप से लेकर केंद्रीय मंत्री, सांसद, सभी विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष मोर्चों के अध्यक्षों ने इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इसकी सारी चर्चा पर मैं निवेदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी मीडिया से खिताब करें। श्रीमान तरुण जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले दो दिनों से जम्मू व कश्मीर के सभी प्रमुख नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, कोर कमेटी के साथ, जिला अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ गहन चिंतन हुआ है और प्रदेश पार्टी ने तय किया है कि हम जिला परिषद का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे और उन्होंने धन्यवाद किया है श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पंचायती राज सिस्टम, जम्मू कश्मीर को जिला परिषद का जो सिस्टम से महरूम रखा गया था वो दिया है और ये एक कड़ी होगी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी मिलेगी निर्णय लेने की, अपने क्षेत्र का विकास, अपने जिले का विकास वहां से चुने हुए लोग करेंगे, इसकी शुरुआत हो गई और ये चुनाव जीतकर जो लोग आएंगे वो यहां माहौल बनाएंगे, विकास की जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो भारत का एजेंडा है, वंचितों का, गरीबों का, जो पीछे रह गए उनका विकास करने का, उसे पूरा किया जाए। हमने आज की बैठकों में पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जम्मू कश्मीर के सभ्याचार को, जम्मू कश्मीर के विकास को सामने रखकर चुनाव लड़े। आपने कोई बात करनी है तो करें, कोई आपके मन में विषय है तो करें। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वक्त से दो दिन से वो लोग यहाँ पे हैं जम्मू में, उत्पाद डिक्लेरेशन के ऊपर वो ऐसा है कि गप डिक्लेरेशन, ये जो गप डिक्लेरेशन है ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। ये पूरा होने वाला नहीं है। आज कोई सोचे कि 370 वापस आएगी, चाइना भारत में आएगा, पाकिस्तान मदद करेगा, मैं समझता हूं ये मुंगेरी लाल के सपने से भी आगे। इतनी बड़ी गप रेड़ रहे हैं सब मिलकर, उन्हें भारत का मिजाज समझ नहीं आ रहा। अब देश अपनी आंतरिक सुरक्षा करना भी जानता है, बाहरी सुरक्षा भी करना जानता है। जिस तरह से देश को डराने का काम, जम्मू कश्मीर के साधनों को लूटने का काम ये अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स 7 दशक तक करते रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की जनता, स्टेट की जनता और पूरे देश की जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही और उन्हें भी पता है कि आज वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थितियों में पहुंच चुके हैं। इसलिए वो गप गैंग बना लें,
गद्दार गैंग बनाने, ना जम्मू कश्मीर की जनता को कप चाहिए ना गद्दारी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को विकास, गली नाली, मोहल्ला, पुल और राष्ट्रवाद चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आंतरिक सुरक्षा चाहिए, बाहरी सुरक्षा चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा विकास का, राष्ट्रवाद का, आज उसी एजेंडे पर जम्मू कश्मीर को चल रहा है। आज यहां के नौजवानों को रोजगार चाहिए और उन्हें पता है कि 7 दशक तक जिनके हाथ में कलम आनी चाहिए थी, कंप्यूटर आना चाहिए था, उनके हाथ में पत्थर किसने पकड़ाए, उनके हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई, किनके बंगले बने और किनके घर उजड़े, किनकी एंड सन्स चली, सीरीज ऑफ एंड सन्स, लूटने की सीरीज 7 दशक तक लूटा। अब जम्मू कश्मीर के साधनों को लूटने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर भारत के बाकी प्रांतों की तरह उसी स्पीड से, जिस स्पीड से कर्नाटक, जिस स्पीड से गुजरात, जिस स्पीड से महाराष्ट्र, जिस स्पीड से दिल्ली, जिस स्पीड से हरियाणा, जिस स्पीड से पंजाब चल रहा है, उसी स्पीड से जम्मू कश्मीर चलेगा और भारत का सबसे अग्रिम प्रांत बन जाएगा। सर, अगर बात की जाए रिहाइड्रेशन पॉलिसी की, उसको लेके जम्मू में बहुत सारा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो यूथ है इसका परेशान है, उनका साफ कहना है कि आप उन्हें भी बंदूकें उठानी पड़ेगी नौकरियां पाने के लिए, जब आप डिफेंस, उन लोगों को डिफेंस में नौकरियां देने की बात कर रहे हो। ऐसा है, स्टेट इश्यूज राणा जी लेंगे, वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार यहाँ साधन उपलब्ध कराएगी। हम इसकी, हमने एक बड़ा प्लान बनाया है जिसपे काम चल रहा है और आने वाले 2-3 सालों में जो 70 साल की बुराई, अभी तो हमारा समय उन गंदगी को दूर करने में लग रहा है, ये गंदगी दूर हो रही है, इस पे नई अच्छी इमारत बनेगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना भारत का कोई नागरिक, ना जम्मू कश्मीर का, इस प्रांत का कोई नागरिक बंदूक उठाने वालों का समर्थन देने का ना है और ना ही हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे जिनके हाथ में हथियार है। जिनके हाथ में हथियार है उनकी एक ही जगह है, वो कब्र, जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसकी एक ही जगह है कब्र। कल उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब भारत 70 और 35 को हटाया गया, उसके बाद कहा गया, पहले सत्यपाल मलिक ने कहा कि 50,000 रुपया देंगे, फिर मुर्मू साहब आए उन्होंने कहा 1,00,000 देंगे, अब मनोज सिन्हा साहब हैं और 10,000 नौकरियों के लिए 8,00,000 लोग आवेदन दे रहे हैं, जिसमें PhD करने वाले लोग भी हैं जो कि असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है, किया क्या 370 रुपए। ऐसा है कि आपको केवल लग रहा है, आप ऑडिट कर रहे हैं 5-10 से लेकर आज तक, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, एक लंबा प्लान जम्मू कश्मीर के विकास का जिसपे हमने काम शुरू किया है। आप 10,000 की बात कर रहे हैं, शायद कल ही एक इंटरव्यू है उसमें 11,000 लोगों ने नौकरी, रूरल एक लंबी श्रृंखला है। अब वो नहीं हो सकता कि महबूबा एंड मुफ्ती और उनके लोग नौकरियां बेचे, अब वो नहीं हो सकता अब्दुल्ला एंड सन्स की दुकान पे माल बिक जाएगा, योग्य बेटा और बेटी नौकरी के लिए आएंगे और बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार सेल नहीं लगेगी मुबा एंड सन्स की, कोई सेल नहीं लगेगी मुफ्ति एंड सन्स की, अब्दुल्ला एंड सन्स की। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का अधिकार, जम्मू कश्मीर के हर बेटा और बेटी का अधिकार इस धरती पर है और उसका उसका हिस्सा इससे पहले कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन कर, आप कोई एनीबॉडी वांट्स टू एनी क्वेश्चन, सर मेरा सवाल है, सर तमाम दिल्ली वेजर्स का सवाल है सर, तमाम रिगार्डिंग दिस मीटिंग है, वो जो आज मीटिंग हुई है हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी हैं, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इज आल्सो हियर। अब यूपी में होगा नक्सलवाद को खत्म करने का बात,
पर वही नड्डा साहब ने ये बात क्लियर की है कि 300 से ज्यादा आतंकवादी आने वाले हैं, एनडीए को वोट दीजिए। किस तरह से दो अलग अलग बयान जो है वो नेशनल, अगर देखा जाए नेशनल बीजेपी दे रही है, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री आज पूरे विश्व के अंदर सबको पता है। दुनिया में कहीं भी घटना हो आतंकवाद की, उसके पीछे पाकिस्तान निकलता है। वो तैयारी करेंगे, वो भेजेंगे नहीं, लेकिन भारत की सेना उनमें कब्र के लिटाने के लिए तैयार बैठी है। वो आए, उन्हें कब्र में लिटाएंगे, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट सोच, नीति और नियत स्पष्ट है, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट सोच। सर मीटिंग जम्मू में हो रही है ना सर, मीटिंग जम्मू में हो रही है भुगतान की, मगर आप लोगों ने कहा था कि जम्मू में अगर वो आते हैं हम जम्मू में उनको सफल नहीं होने देंगे, मगर वो आज मीटिंग जम्मू के अंदर हो रही है सर, गुप्तकार की मीटिंग हो रही है सर, गुप्तकार की मीटिंग हो रही है। गद्दार गैंग, कप गैंग, और ये मैं नहीं कह रहा, आप जम्मू कश्मीर के किसी गांव में जाएं, वो आपको कहेंगे ये कप गैंग है, गद्दार गैंग है, इसको कोई आज पॉलिटिकल माइलेज नहीं। श्री सुनील भट्ट जी, आ रहा है ऑन वन क्वेश्चन देन। सर टाइम एंड अगेन द नेशनल लीडरशिप हैज बीन इंश्योरिंग दैट स्टेट वुड डेफिनेटली बी रिस्टोर्ड इन गवर्नमेंट कश्मीर आफ्टर द डीलिमिटेशन कमीशन। सर हाउ डू यू लाइक टू जो कम टू दैट, ये जो आप कह रहे थे गुरुकार का, कि हमें जो कि पहले बातें हो चुकी हैं दोहराने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फलसफे में जाने की जरूरत नहीं। आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी। जब ये कहा गया कि 370 को हटाने से हम सहमत नहीं हैं, तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए था कि इसको हटाने का निर्णय भारत की संसद ने लिया कि नहीं लिया। हमने से ज़्यादा पढ़े लिखे, उसमें सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के थे, थे कि नहीं थे? उसमें सांसदीय प्रणाली की मर्यादा का तकाजा है दो विकल्प। अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब है योर पार्टी, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन वेदर यू इंटरनली एग्री या नॉट। अगर नहीं है तो कम से कम त्याग पत्र दे देते। यू कैन नॉट बी अलाउड टू हैव केक एंड ईट इट टू। राज्यसभा में दो सदस्य पीडीपी के हैं, लोकसभा में 3 सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और आप कहते हैं इससे मुतबिक। दूसरी बात, यदि ये कहा जाता है कि एक समय आएगा कोई भी राजनीतिक दल होगा मजबूर हो जाएगा, तो पूछना चाहिए कि कांग्रेस का क्या इस पर, क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी? हम तैयार हैं, चुनौती देते हैं, लेट दिस बी एन इलेक्शन प्लान और बिहाफ ऑफ कांग्रेस कि अगर हम केंद्र में वापस आते हैं तो हम 370 को दोबारा लाएंगे। तो ये जो दोहरी बातें हो रही हैं जिसमें खुलकर भी कोई स्पष्टता नहीं आती, उसमें प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। वो तो उठ नहीं रहा। क्या है कि जो सत्ता पक्ष में है उनको प्रश्न करना आसान है, कुछ भी पूछ लीजिए, अगर सफेदी उतरी हो तो क्यों नहीं आप भाई सत्ता में नहीं। लेकिन ये प्रश्न कहाँ है, ये तो मूल प्रश्न है। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर कांग्रेस ये इस बात से सहमत है, बिकॉज दे हैव बीन अलाइंस, तो फिर वो इसी बात को मुद्दा बना ले तैयार। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी ये कहती है तो कम से कम दी बेयर मिनिमम प्रोप्राइटी रिक्वायर्ड बाय द डेमोक्रेसी इज दैट देयर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट। और दूसरा जो आप रिगार्डिंग स्टेटहुड, सी आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सीड द मैंडेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन स्टेटेड मोर देन वंस बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अब आप मुझे केवल घुसाने के लिए पूछेंगे तो मैं घुसाने वाला जवाब दूंगा। इट विल नॉट टेक 70 ईयर्स एज 70 टेम्पररी प्रोविजन टू इससे पहले ही हो जाएगा। Sir, yesterday Dr. Farooq Abdullah in his address to the party workers at the NC office here in Jammu, he said that let the BJP workers burn his effigies,
let them keep on protesting against him. I challenge the BJP that they should come to me and have a debate on Jammu and Kashmir. I think that's the second part. Mr. Umar Abdullah and Farooq Abdullah also raised the issue of the new land rules. Mr. Umar Abdullah said that next year the paddy farmers of Araspura don't know whether they will be having their land or not. How will you respond to that? बंद कमरे में बैठने से धमकियां देने कोई फायदा नहीं ना। जब हमारा भी चुनाव हुआ तो बहुत से मित्रों ने हरा डाला था, बट इट वॉज अ रिकॉर्ड विक्ट्री मोर देन जम्मू का फर्स्ट टाइम। तो लेट दी कॉम्प्रोमाइज, अगर वो हमको सजा देंगे तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं, उसे हमें सजा देंगे तो हम स्वीकार करने को तैयार है। ये कह देना कि मेरी पुतले तो सबके जल रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में आया पुतला जलता है, पुतला क्यों जलाया जाता है, क्योंकि पुतला जलाने से खबर बनती है, इसका अर्थ ये नहीं कि चुनाव जीतना है। We should not get carried away. But would you like to accept his challenge? He's saying come on. अरे वी आर 24/7/365 पार्टी, ये कोई इलेक्शन के समय उजागर होने वाली पार्टी नहीं है। We are ready for every challenge. We have faced challenges. अब आपकी बात आई, एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है इसलिए बार बार आपको मजा आ रहा है। डेली वेजर 20 साल सड़कों पर, सुनिए किसने लाया सड़कों पे पहले ही, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। 2014 तक केंद्र में सरकार किसकी, यहाँ किसकी, ये बाप पिछले घंटी हमारे गले में डालने की कोशिश करते हैं, हम इनके साथ सहानुभूति करते हैं। आपको बता रहा, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा, उनके साथ जलपान हुआ, ये मेरी बात से सहमत हुए। हुआ क्या था, समय समय पर कौन सी सरकारें बनती रही, कांग्रेस पीडीपी, कांग्रेस नेशनल कांग्रेस, जो नया मंत्री बना पैसे लेकर बैंक डायरेक्टरी की गई, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। दे हैव फूल्ड द यूथ ऑफ दिस अर्सवाइन स्टेट, क्योंकि कोई आता था हेवने सेत बनाता था, कोई आता था डेली वेजर बनाता था, कोई आता था कैजुअल लेबर और लगाते जाते थे और कहते थे कि भाई ये जम्मू कश्मीर अब पैर हजारों बाद में पक्का हो जाएगा। एक बार हुआ था पक्का, रिफ्रेश योर नॉलेज, 90s में एक बार आदेश आया था फारूक अब्दुल्ला साहब जो मुख्यमंत्री थे कि जो 7-7 साल वाले हैं उनको पक्का कर दिया, उसी की आड़ लेके ये करते गए। लेकिन अब 2005 में यू गॉट आरटीआई है, मीनवाइज लोग जागरूक हो चुके, वोटें सतर्क हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, आज ये उन्होंने लगाए हैं। और अब क्या हुआ है स्थिति, इनको मैंने समझा और ये समझते भी है इस बात को, कोई ऐसी देखिए, अगर आप सच बोल के तर्क रखेंगे प्रोटेस्ट का, कोई अगर प्रोटेस्ट अगर मिल सकता है तो हम व्यवस्था करने को तैयार है, तो प्रोटेस्ट से हम डरने वाले नहीं है, तो प्रोटेस्ट तो चलो ना, अगर एक्चुअली मेरा पुतला जलता है तो खबर बच जाती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट टू मी, वो बात नहीं है, लेकिन उनको समझाना है। हाँ आई एग्री एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्ड, इट इज इनह्यूमन That a person or a family is paid 200 per day. आज के जमाने में 200 रुपए से कैसे चलाएगा, दाढ़ी तो बिल्कुल उनके साथ बहुत ज्यादती है, अमानवीय है, लेकिन ये किए पिछले, हमें पिछलों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक अगर हमें अवसर मिल रहा है तो हम उसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब उसका तरीका क्या है, आप मुझे बताएं, आप पढ़ी लिखी है, आज घर जाके अध्ययन करके परसों में फिर आ रहा हूं, मुझे समझाना इसका क्या तरीका है। मैं बताता हूँ जो पॉसिबल ऑप्शन है वन बाई वन, एंड मैंने इनके साथ डिस्कस किया, क्योंकि प्रदर्शन करने से नौकरी मिल जाती, तो कठुआ में 100 नर्सेज बैठ गई बाहर के जी हमें निकाल दिया, हमने उनके पास जाने को मुश्किल तो हो रही थी प्रशासन को, मैं उनके बीच में गया, मैं देखो बेटे आपको लगाया था ये सोच के टिल दी परमानेंट अपॉइंटीज आर रिटन टेस्ट हुआ आप बाहर हो गए। अब अगर एक बच्ची भी गरीब रिटर्न टेस्ट से आती है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे 1000 बार प्रदर्शन करें, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ सिस्टम। इंटरव्यू समाप्त हो गया, पहली बार हुआ ना, मोदी जी ने आह्वान किया था लाल किले से 15 अगस्त 2015 कि जब इंटरव्यू की कॉल आती है घर में भूचाल आ जाता है, बच्चा इधर उधर दौड़ता है कहां से चेक लगाओ, और उसी इंटरव्यू की आड़ में लेकर के इतना पाप हुआ, जिसके 95% नंबर हुआ करते थे रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था वाइवा में ज्यादा नंबर देके, और इंटरव्यू में जिसका 0 होता था या जिसके कम होते उसको बढ़ा करके रिटर्न टेस्ट को दरकिनार कर दिया जाता। अब वो पता है अगर इंटरव्यू होगा भी दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में आ रहे हैं उसको समझ नहीं, आप मुझे बताना, उसके बाद
तीन साल लग गए बिकॉज मैं DOPT से डील कर रहा था, इंटरव्यू यहाँ लागू नहीं किए गए। क्यों नहीं लागू किए गए? कहने के साहब हम अपने लोगों का हाल लगाएंगे। भाई अपने लोगों का क्या मतलब हुआ? दूसरा का बच्चा आपका बच्चा नहीं। गवर्नर राज लगने के बाद, LG के आने के बाद यहाँ इंटरव्यू की प्रथा समाप्त हुई। अब जहाँ तक इनका संबंध है, अगर आज आप रिटन टेस्ट करेंगे, बहुत से लोग ओवरएज हो गए। एक विकल्प ये भी आया था कि इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाए, फिर उसमें ये आया कि जो ओवरएज होंगे नहीं आ पाएंगे। दूसरा ये आया कि इनको 1 टाइम दे दिया जाए, और अगर 1 टाइम दे दिया जाए या फिर अगर रिटर्न में इनको शामिल कर दिया जाए तो जो दूसरे युवा, आप उनकी भी तो बात कर रहे हैं, इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, जो भी किया वो कोर्ट में चले जाएंगे, उसके ऑर्डर हो जाए, फिर भी कोई समाधान नहीं। अब ये भी हुआ कि एक बार कुछ किया जाए तो एक बार किया जाए तो वही वही वैकेंसी खाली होगी, जिसके लिए आप सारे तलबगार हैं, जिसके लिए अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैसे होगा? फिर अभी आज LG से मिलने वाले हैं, अभी तय भी किया है, LG से साथ में मेरी बात हुई, कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हो रही हैं उनमें जो वैकेंसी होगी उनको एडजस्ट किया जाए, वरना आप समझाइए हमें तो सहानुभूति है सर। अगर इलेक्शन हो सके और अगर 2G का पैसा वसूला जा रहा है, 2G टाइम पर 2G चल रहा है और 4G का पैसा वसूला जा रहा है, जहां तक 4G का संबंध है, मैं आपकी बात समझता हूँ, खासतौर पत्रकार साथियों को और विद्यार्थियों को इससे दिक्कत आती है, उसमें मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आप क्योंकि विषय अदालत में है और उसने डायरेक्शन दिया है तो इसलिए इसमें मैं सीधा सीधा कुछ रख नहीं सकता बात, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आपका 4G जो हो जाए। कब होगा? होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि ये फैसला कोर्ट से आया है। इलेक्शन में सर क्या जनता क्या रहेगा बीजेपी? अच्छा जी, आपने कहा चैलेंज, मैं आपके सभी चैनल्स के बाद लैंड लॉस की बात कम कर रहा था, क्योंकि ये लैंड लॉस ही whoever says J&K on sale, please tell him the sale on J&K will start with the sale of the Gupkar bungalows. The law does not allow occupying the bungalow forcibly. Just as you have given the freedom to all the countrymen to come and purchase house, the owner still enjoys the freedom to decide whether to sell or not. जिस दिन मकान लेने का अधिकार आ जाएगा, तो इतने खूबसूरत बंगले जो डल झील के किनारे बसे हैं, सबसे पहले तो उन बंगलों को ऑक्यूपाई किया चैलेंज की बात कही मैं आपके सामने, सभी कैमरे के सामने, फारूक अब्दुल्ला जी का चैलेंज।